दोस्तों, एशिया कप 2022 में विराट कोहली भारत के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कोहली इस टूर्नामेंट में बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। विराट कोहली आखिरी बार इंग्लैंड दौर पर टीम इंडिया का हिस्सा थे। उस दौर पर विराट कोहली 6 पारियों में सिर्फ 76 रन ही बना पाए। अब कोहली के पास खराब फॉर्म को भूलकर नई शुरुआत करने का चांस है। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने ब्रेक से लौटने के बाद एशिया कप के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कोहली अपनी IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB के हेड कोच संजय बांगड़ के साथ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC में स्थित मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की इंडोर क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। बांगड़ भारत के पूर्व बल्लेबाज कोच हैं। विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी प्रैक्टिस सेशन का वीडियो शेयर किया। शेयर किए गए वीडियो में उन्हें इंडोर प्रैक्टिस के दौरान विकेटों के बीच दौड़ते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया। हाल ही के दिनों में इस स्टार बल्लेबाज की खराब फॉर्म की वजह से आलोचना हो रही है। शुक्रवार को कोहली ने 90 मिनट तक ट्रेनिंग की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, विराट इस एशिया कप में अपने पुराने वाले फॉर्म में आ जाएंगे और अपनी 71 सेंचुरी लगा पाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।